मानव तस्करी झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या है। लाख कोशिशों के बाद भी इस पर लगाम लगता नहीं दिख रहा। सीएम हेमंत सोरेन की सरकार का भी मानना है कि सूबे के माथे पर लगे इस दाग को साफ करना प्राथमिकता है। वहीं सीडब्ल्यूसी भी इसे लेकर चिंतित है। मानव तस्करी पूरे झारखंड के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। आए दिन झारखंड की बेटियां महानगरों में नौकरी के नाम पर बेची जा रही हैं और रोज ऐसी बड़ी संख्या में मानव तस्करी के शिकार बच्चियों को रेस्क्यू किया जाता है। इस मसले पर सीडब्ल्यूसी ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड की बच्चियां तस्करी के शिकार होती हैं, लेकिन इसमें दलालों पर कोई नकेल अभी तक नहीं कसा जा सका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से मानव तस्करी जैसी गंभीर समस्या पर अपनी गंभीरता दिखाई है, ऐसे में ये बहुत ही सराहनीय पहल है। होता है और यहाँ से बच्चियों को लोग बरगला के आसपास के गांव के ही लोग होते हैं जो कि उनको बाला फुसला के लेके जाते हैं, लेकिन बच्चियों को जो हम लोग लाते हैं यहाँ तो बच्ची उनका नाम भी नहीं बताती हैं, कुछ भी डेली हम लोग के यहाँ कर लगभग हमको लगता है 10 केसेस आते हैं ट्रैफिकिंग के। पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा था कि प्रदेश के माथे पर लगे मानव तस्करी के दाग को धोना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। ऐसे में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि मुख्यमंत्री इस दिशा में अहम कदम उठाएंगे। सीडब्ल्यूसी की माने तो अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तरीका बदला है। अब दलाल बच्चियों को बहला फुसला कर नहीं बल्कि ऑनलाइन ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं। झारखंड की सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा और भुखमरी का कारण है कि बच्चे जो है हमारे यहाँ से ट्रैफिकिंग हो जा रहे हैं, मानव तस्करी के जंगल में गिरफ्त हो जा रहे हैं। और इसका एक रोड मैप बनाने के लिए जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं इसमें, उनको एक रोड मैप बनाने के लिए एक जगह बैठ के अच्छे तरीके से झारखंड को एक बाल श्रम मुक्त, मानव तस्कर मुक्त के लिए एक बहुत बड़ी हम लोगों का संवेदनशील मुद्दों को योजना पे काम करना होगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले गुमला जिले की 6 नाबालिग लड़कियों को दिल्ली से मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया था। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। ऐसे मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर मानव तस्करों को पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। कैमरा पर्सन राजा के साथ अमिता, न्यूज 11 भारत, रांची।